हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमीशिया। माय नेम इज़ ओम और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट विजन आईएएस मंथली मैगजीन ऑफ सितंबर करंट अफेयर्स, ठीक है। और इस पे हम कल्चर पोर्शन को आज कवर करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी टेल यू, आप इस वीडियो की पीडीएफ नीचे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। सो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले देखते हैं बैटल ऑफ हाइफा के बारे में। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली इंडियन एम्बेसी जो हाइफा में है उसने 100 ईयर कंप्लीट हुए हैं बैटल ऑफ हाइफा को 23 सितंबर को, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए उसकी सेरेमनी एक हेल्ड की गई थी। इसमें इंडियन सोल्जर्स जो कि जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लैंसर से आते थे, उन्होंने सिटी ऑफ हाइफा को लिबरेट कराने में बहुत हेल्प की थी। फिर देखो, इंडियन पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर वन देखते हैं। देखो, इंडिया अलॉन्ग साइड ब्रिटिशर्स, इन्होंने जर्मन एम्पायर से लड़ा था ऑन वेस्टर्न फ्रंट इन ईस्ट अफ्रीका, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और गैलीपोली में। इसमें टोटल देखो, हमने इंडिया में सिर्फ ट्रुप्स ही नहीं भेजे थे, बहुत सारे हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दी थी। देखो, जैसे 3.7 मिलियन टन्स ऑफ सप्लाइज दिए गए थे, ओवर 10,000 नर्सेज, 170,000 एनिमल और 146 मिलियन यूरोज ऑफ इंडियन रेवेन्यू, और उसके साथ साथ गांधी जी का पॉलिटिकल सपोर्ट भी, ठीक है। इंडियन आर्मी देखो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वॉलंटियर करने वाली फोर्स थी, जिन्होंने 1.5 मिलियन ट्रुप्स दिए थे वर्ल्ड वॉर वन में, जो कि बहुत सारे अलग अलग रीजन से आते थे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। इसमें से 50,000 जो सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो गई थी, 65,000 घायल हो गए थे, 10,000 को ये रिपोर्ट किया गया था कि वो लोग मिसिंग हो गए, और प्लस 98 आर्मी नर्सेज भी मारी गई थी। देखो, अब वॉर कभी भी जो होती है वो किसी भी चीज़ में पीस लाने का, किसी भी सर्कमस्टेंस में वो सॉल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे देखो, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए जो आर्मी नर्सेज जाती हैं, उनको ये वॉर से लेना देना भी नहीं था। वो तो सोल्जर्स को जो घायल हो रही थी उनको मलहम पट्टी करने के लिए गई थी, इनफैक्ट वो भी चपेट में आ जाती हैं, ठीक है। फिर देखो, हमारी इंडियन सोसाइटी में आप जानते हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो कास्ट डिविजन था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मतलब नीचे वर्गों वालों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो भी हमारे ट्रुप्स में सर्व करने के लिए लोग गए थे, उनको जो कास्ट सिस्टम में वॉरियर का फिर कास्ट मिलने लगा था। अगर वैश्य हैं तो अगर वो वॉर फ्रंट पे लड़ने जा रहे हैं, क्षत्रिय का उनको टैग मिल रहा है, तो उनको वॉरियर कास्ट का टैग मिलने लगा था। क्योंकि वॉरियर आप जानते हो, जो क्षत्रिय होते थे वो यूजुअली होते थे जो वॉर फ्रंट पे जाके लड़ाई करते थे अपनी कंट्री, सिटी, स्टेट जो भी है उनको सेव करने के लिए, ठीक है। फिर देखो, इंडियन फोर्सेज ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिया था अपने वेस्ट एशिया पे, ठीक है। फिर 60% ऑफ ऑल इंडियन ट्रुप्स सर्विंग इन मेसोपोटामिया, मॉडर्न डे इराक, और 10% जो थे इजिप्ट और पैलेस्तीन में उन्होंने सर्व किया था। फिर देखो, अभी रिसेंटली इंडिया गेट न्यू दिल्ली में कमेमोरेट बनाई गई है 70,000 सोल्जर्स की, जो कि ब्रिटिशर्स आर्मी के साथ लड़ते हुए वर्ल्ड वॉर वन में शहीद हो गए थे। और इस मेमोरियल में उन 13,516 ब्रिटिशर्स और इंडियन सोल्जर्स का भी नाम है, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में लड़ाई करते वक्त अफगान वॉर 1919 में अपनी जान खोई थी, ठीक है। फिर से देखो, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ब्रिटिश बिकेम वन ऑफ द रीज़न फॉर पासिंग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसकी वजह से हमारी डायरची इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस में। और इसका मतलब ये था कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वुड बी इलेक्टेड और दे वुड रिप्रेजेंट द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। फॉलोइंग दिस पीरियड, गांधी जी ने इंडिया नेशन वाइड 1919 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च किया था फॉर परस्यूट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, पर्यटन पर्व 2018। देखो, अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सेकेंड एडिशन लॉन्च किया पर्यटन पर्व का नेशन वाइड टू सेलिब्रेट द टूरिज्म, ठीक है, नेशन वाइड सेलिब्रेशन ऑफ टूरिज्म। इस पर्यटन पर्व में देखो बहुत सारे मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे बेनिफिट टूरिज्म से कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है, शोकेसिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री और री इन्फोर्सिंग द प्रिंसिपल ऑफ टूरिज्म फॉर ऑल। देखो, इंडिया की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसकी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप देखो, हमारी एक विंग है वो आप देखो गुजरात, कच्छ तक फैली हुई है, दूसरी नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पिक्चर्स क्यू मतलब साइट सीइंग आपको देखने को मिलेंगे, पहाड़ है वहाँ पे। फिर आप एक बीचेस देख सकते हो, अंडमान या निकोबार देख सकते हो, लक्षद्वीप देख सकते हो। अभी रिसेंटली लक्षद्वीप में भी नीति आयोग ने डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अपने स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो मालदीव और मॉरिशस के जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है
उससे थोड़े से टूरिस्ट यहाँ पे भी अट्रैक्ट हों, ठीक है। तो हमारी बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने की, तो उसको हार्नेस करने की बात की गई यहाँ पे। फिर देखो कंपोनेंट्स ऑफ पर्यटन पर देखो अपना देश, इसके थ्रू जो इंडियंस हैं उनको इनक्रेज किया जाएगा टू विज़िट देयर ओन कंट्री, ठीक है, जो बाहर में रह रहे हैं या फिर NRI हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जैसे इंक्लूडेड वीडियो, फोटोग्राफ, ब्लॉग कंपटीशन, विजिटेड ड्यूरिंग इवेंट, फिर स्टोरीज भी बताई जाएगी इंडिया की थ्रू ट्रैवलर्स आई टू प्रमोट टूरिज़्म। फिर देखो टूरिज़्म फॉर ऑल, इसके थ्रू प्रमोट किया जाएगा टूरिज़्म इवेंट एट साइट्स अक्रॉस ऑल स्टेट इन द कंट्री, और ये मेनली पीपल इवेंट होगा विद लार्ज स्केल पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। फिर द एक्टिविटीज़ एट दिस साइट विल इंक्लूड कल्चरल प्रोग्राम, डांस, म्यूज़िक, थिएटर, टूरिज़्म एग्जीबिशन, शोकेसिंग कल्चर, क्यूज़ीन, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के ऊपर मतलब ये सब एक्टिविटीज़ वहाँ पे इंक्लूड होंगी। फिर टूरिज़्म एंड गवर्नेंस में देखो आप स्किल डेवलपमेंट टूरिज़्म सेक्टर में, इनोवेशन टूरिज़्म सेक्टर में, फिर उसके बाद डेवलपिंग रूरल टूरिज़्म इन लोकेशन नियर एस्टेब्लिश डेस्टिनेशन, इन सब के ऊपर इंटरेक्टिव सेशन और वर्कशॉप भी होंगे। फिर देखो इंडिया टूरिज़्म मार्ट भी 2018 ये भी ऑर्गेनाइज करवाया गया है पर्यटन पर्व के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग पर्यटन पर्व। और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने फेथ जो कि फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इसकी फुल फॉर्म है, इन दोनों ने पार्टनर किया था टू लॉन्च इंडियन टूरिज़्म मार्ट 2018, ठीक है, और ये पर्यटन पर्व के दौरान लॉन्च हुआ था। फेथ के बारे में जान लेते हैं, ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारे इम्पॉर्टेंट ट्रेड और हॉस्पिटलिटी एसोसिएशंस जो कंट्री के हैं उनको देखता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है। फिर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट इज़ टू क्रिएट एनुअल ग्लोबल टूरिज्म मार्ट फॉर इंडिया, और जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट होते हैं उनके तर्ज पे उनके साथ मिलके ऐसा इंडिया में भी ऑर्गेनाइज करवाया जाए, ठीक है। द मार्ट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स जो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में हो, ताकि वो इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने बिजनेस वगैरह से रिलेटेड इंटरेक्ट कर सकें और ट्रांजैक्ट कर सकें। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आर वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और आप इस वीडियो की PDF नीचे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, गॉड ब्लेस यू ऑल।